ये देखिए कितना अच्छा मिल्क केक बनकर के तैयार हुआ है, एकदम दानेदार है, मार्केट जैसा। तो ऐसा ही मिल्क केक हम बनाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिल्क केक, एकदम दानेदार मिल्क केक। घर पर किस तरीके से बना सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है मिल्क केक बनाने के इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1.5 kg मिल्क। मिल्क केक बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, आप यहाँ पे स्टील की कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की कढ़ाई आप ना लें। और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम दूध को आधा होने तक पकाएंगे, यानी कि हमें दूध को 50% तक रिड्यूस करना है। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका सकते हैं। तो मैंने फ्लेम को हाई किया है, और हाई फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे ना तो मिल्क केक बनने में कम टाइम लगेगा। और चम्मच को हमें तले तक ले जाते हुए चलाना है ताकि दूध नीचे चिपके ना, तो आप इसे लगातार चलाते रहें। तो ये देखिए दूध 3/4 हो चुका है, अभी भी हमें इसे और पकाना है। तो जब तक दूध पकता है हम इसका बॉक्स सेट कर लेते हैं जिसमें हम केक को सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का लंच बॉक्स लिया है, इसका तला थोड़ा मोटा है तो यही हमें मोटे तले का ही बॉक्स लेना है। और इस पे लगाएंगे हम लगभग आधा टीस्पून, मैंने यहाँ पे घी लगाया है, तो घी आप ज़्यादा ही लगाएं, कम ना लगाएं। तो इस पे हम घी लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ। और इधर ये देखिए दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये जो मलाई के दाने आपको दिख रहे हैं ये इंडिकेशन है कि दूध अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें मिला देंगे नींबू का रस। तो मिल्क केक बनाने के लिए आज मैंने यहाँ पे नींबू के रस का यूज़ किया है, आप यहाँ पे फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नींबू का रस हम निकाल लेते हैं, मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है और इसका हम रस निकाल लेते हैं। तो ये 1 चम्मच नींबू का रस है, इसमें हम 2 चम्मच पानी मिला देंगे। तो अब हम इस नींबू के रस को दूध में मिला देते हैं। तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 1-1 चम्मच करके हम नींबू का रस मिलाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इस नींबू के रस को दूध में मिलाते हैं और चारों तरफ हमें इस रस को डालना है। तो इस तरीके से हम सारा नींबू का रस डाल देंगे और 30 सेकेंड तक हम दूध को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूध का पनीर बनना स्टार्ट हो गया है। हम नींबू का रस एक साथ डाल देंगे ना तो पनीर और पानी अलग हो जाएगा, जिससे कि मिल्क केक बन नहीं पाएगा। इसलिए हम नींबू का रस धीरे धीरे करके ही डालेंगे और 30 सेकेंड के बाद हम इसे फिर से चलाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दूध अभी तक अच्छे से नहीं फटा है। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि पनीर के अच्छे दाने बने। तो ये तो हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। दूध को लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है और चम्मच को हमें तले तक ले जाना है ताकि दूध नीचे चिपके ना। और ये देखिए दूध में बारीक दाने आने लगे हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें चीनी मिलाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे 120 ग्राम चीनी ली है, ये आधा कप चीनी है। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे हम चीनी को मिलाते हैं। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं तो दूध काफ़ी उछलता है, तो वो हाथों के लग सकता है, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे हम पूरी चीनी को 5 से 6 बार में मिलाएंगे। और चीनी डालने के बाद इसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाएगी कि चीनी डालने के बाद दूध और भी ज़्यादा कढ़ाई में लगने लगता है, तो इसे हमें बिल्कुल चलाते रहना है। और ये देखिए धीरे धीरे मिल्क केक का जो कलर है डार्क होता जा रहा है, और ये दूध भी काफ़ी उछल रहा है, तो आप हाथों पे टॉवल भी लगा सकते हैं। तो इस मिक्सचर को हम तब तक चलाएंगे जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें मिला देंगे 4 टेबलस्पून घी।
चार बड़े चम्मच घी लिया है और इस घी को भी हम चीनी की तरह थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। जैसे जैसे हम घी मिलाएंगे मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा थिक होता जाएगा। मिल्क केक में घी इसलिए मिलाया जाता है ताकि मिल्क केक सॉफ्ट बने और इसमें थोड़ा फैट और आ जाए। तो घी डालने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो अगर आपको लगे कि मिक्सचर कढ़ाई की चिपक रहा है तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर कढ़ाई के बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम सारा घी मिला देते हैं और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें मिला देंगे इलायची पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। आप इलायची का पाउडर मोर्टर में बना सकते हैं या मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बना सकते हैं। तो इस इलायची के पाउडर को भी हम मिक्सचर में मिला देते हैं। और इलायची मिलाने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना है, वरना जो कलाकंद बनेगा वो एकदम च्युइंगम के जैसे च्युई हो जाएगा, यानी कि चिड़ा हो जाएगा। और अब हम इस कढ़ाई को प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं और इस मिक्सचर को हम तुरंत ही बॉक्स में ट्रांसफ़र करेंगे। इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है, वरना कलाकंद का कलर अच्छे से नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें मिक्सचर को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। तो इस बॉक्स में हम ये मिक्सचर डाल देते हैं और अब इस बॉक्स के नीचे मैंने एक टॉवल लगाया है ताकि ये कलाकंद का मिक्सचर जल्दी से ठंडा ना हो। तो टॉवल लगाने के बाद अब हम इसे प्लेट से ढक देंगे। इसे हम प्लेट से इसलिए ढक रहे हैं क्योंकि अगर हम इस टिफिन बॉक्स के ढक्कन से इसे ढकेंगे तो बॉक्स का ढक्कन चटक जाएगा अगर हम इसे गरम गरम ही बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्लेट ली है और प्लेट से मैं इस टिफिन को ढक रही हूँ और इसे हम ऊपर से फिर टॉवल से कवर कर देंगे ताकि जो हीट है वो अंदर मेंटेन रहे। तो ये मैंने इसे टॉवल से फिर से कवर कर दिया है और इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए। तो मिल्क केक बनने में 24 घंटे लग जाएंगे और 24 घंटे में ये मिल्क केक एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए 24 घंटे के बाद मैं टॉवल को हटा रही हूँ और ये देखिए मिल्क केक इतना अच्छा बन कर के तैयार हुआ है। तो अब हम इसके चारों किनारे छुड़ा लेते हैं। तो मैंने एक नाइफ़ लिया है और इसे किनारों से छुड़ा लेते हैं। तो इस केक को हम नाइफ़ की हेल्प से चारों तरफ से छुड़ा लेंगे और अब हम इसे गैस पर लो फ्लेम पर रखेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए। अब हम इस केक को गैस पर रखेंगे ताकि ये नीचे से आसानी से निकल जाए। और ये देखिए अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। वाव, कितना अच्छा केक बन करके तैयार हुआ है। तो इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। तो इस दिवाली पे आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और अगर कोई टिप रह भी गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और रेसिपी ट्राई करने से पहले अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।